नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दो दिनों की छुट्टी के बाद 94 सीटों के नामांकन की प्रक्रिया फिर से हुई शुरू। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया दो दिनों की छुट्टी के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस चरण के लिए 9 अक्टूबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10-11 अक्टूबर को NI एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया रुक गई थी। इसके साथ ही अब तक कई राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने का काम पूरा कर लिया है। ऐसे में आज से नामांकन के लिए प्रत्याशी जोर शोर से जुटने की शुरुआत करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दूसरे चरण को लेकर अब तक 8 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन करवाने वालों में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के उम्मीदवार रामस्वरूप चौहान ने मनेर, रघुवीर महतो ने दानापुर और कुमारी स्नेहा ने लालगंज से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विनय कुमार ने मीनापुर, प्रभाष चंद्र वर्मा ने बांकीपुर, लालू प्रसाद मढ़ौरा, कौशल किशोर ने सिवान और कृष्ण किशोर ने सीतामढ़ी से नामांकन पत्र दाखिल किया है। पैतृक गांव जाएगा रामविलास पासवान का अस्थि कलश। रामविलास पासवान को दिए गए राजकीय सम्मान के बाद अब उनकी अस्थियों को उनके पैतृक गांव में प्रवाहित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय रामविलास पासवान का अस्थि कलश उनके पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी और बनारस लेकर जाया जाएगा। इसकी जानकारी रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपतिनाथ पारस ने दी है और बताया है कि शहर बन्नी के पास फुलतौरा घाट पर अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि रामविलास पासवान उसी नदी को करके स्कूल जाया करते थे। उस दौरान नदी पर पुल नहीं बना हुआ था। वहीं बनारस के गंगा घाट पर भी इसका प्रवाह किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि अस्थि कलश को कई और जगहों पर भी लेकर जाया जाएगा। हालांकि इस पर परिवार के लोग जल्द ही विचार विमर्श करेंगे। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के सीटों के लिए राजद कांग्रेस में फिर बढ़ा तकरार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। वहीं पहले चरण के नामांकन के बाद दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें विभिन्न पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा रही है। वहीं इसी बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए एक बार फिर से राजद और कांग्रेस के बीच में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि राजद ने अपने सिटिंग उम्मीदवार में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने सभी सिटिंग विधायकों को फिर से मैदान में उतार दिया है। वहीं दूसरे चरण के जिन 94 सीटों पर चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, उनमें से 14 सीट वाम दलों के खाते में चली गई है, जिसमें राजद और कांग्रेस की कुछ सिटिंग सीटें भी शामिल है। बाकी बची लगभग 60 सीटों पर राजद भी मैदान में उतरना चाहती है, साथ ही 20 कांग्रेस के पाले में देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इन चरणों में लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों की सूची तैयार कर रहा है। कांग्रेस और राजद के बीच सीट के साथ उम्मीदवारों पर चर्चा भी फिलहाल जारी है। दोनों ही दल जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रविवार को करवाई गई थी। भागलपुर ट्रिपल आईटी के छात्र को मिला 30 लाख का पैकेज। भागलपुर ट्रिपल आईटी के अंतिम वर्ष के सुमित कुशवाहा को अमेजोन ने 30 लाख का पैकेज दिया है। 3 चरणों में चयन प्रक्रिया के बाद सुमित का चयन किया गया है, जिसके बाद अब सुमित की 6 महीने की इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिसमें सुमित को 60,000 रुपए प्रति महीने का पैकेज दिया जाएगा। भागलपुर ट्रिपल आईटी के PRO डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि इससे पहले एक छात्र को नेशनल इंस्ट्रूमेंट में 12.50 लाख का पैकेज दिया गया था। यह छात्र दूसरा है। इसके अलावा 10 के करीब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां संपर्क में है, जिसमें स्वर चयन की प्रक्रिया जारी है। एक हफ्ते के अंदर और भी कई छात्रों का साक्षात्कार करवाया जाएगा। आपको बता दें, अमेजोन में नौकरी के लिए सभी छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें 10 छात्रों का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से किया अपने वर्चुअल रैली की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से अपने वर्चुअल मुहिम की शुरुआत कर दी है। वो वर्चुअल माध्यम से 2 दिनों तक 35 विधानसभा क्षेत्रों के NDA कार्यकर्ताओं और वहां के आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। NDA प्रत्याशियों को जीत दिलवाने की मुहिम में जुटने वाले हैं। साझा की गई जानकारी के अनुसार NDA गठबंधन के तहत जदयू, भाजपा, हम और VIP की तरफ से ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को जीत दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कम से कम 12 जनसभाओं का आयोजन करवाया जाएगा। साझा जनसभा का कार्यक्रम भी जल्द ही तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा रविवार को बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर चरण में कम से कम 4-4 जनसभाओं का आयोजन करवाने वाले हैं। इसको लेकर दोनों दल कार्यक्रम तैयार करने में जुट गए हैं। जल्द ही कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा, जिसकी घोषणा NDA की तरफ से की जाएगी। इसके साथ ही 14 अक्टूबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा तक के 50% कम होंगे सिलेबस। CBSE ने एक बार फिर से छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं के सिलेबस को कम कर दिया है। बोर्ड की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार COVID-19 संक्रमण के कारण सिलेबस में यह बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 20% की कटौती की जाएगी। हालांकि इससे पहले जुलाई महीने में 30% सिलेबस में कटौती की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने अब 10वीं और 12वीं परीक्षा 2021 में कुल 50% सिलेबस में कटौती करने का विचार किया है। अधिकारियों की माने तो कोरोना के कारण वर्तमान समय में
अधिकतर स्कूल कॉलेज बंद है, अभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नियमित नहीं हो पाई है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का मानसिक तनाव न हो इसलिए सिलेबस कम करने पर विचार किया जा रहा है, इस पर सहमति बनाई जा चुकी है। बिहार बोर्ड ने सूची के नाम नहीं होने पर नामांकन से किया इनकार। बिहार बोर्ड की तरफ से शिक्षकों की सूची ऑनलाइन अपलोड नहीं होने पर सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड की तरफ से शिक्षकों की सूची ऑनलाइन अपलोड नहीं करने और हार्ड कॉपी डीईओ कार्यालय में जमा नहीं करने पर 2087 स्कूल को नोटिस भेज दिया गया था। इन स्कूलों को स्पष्ट कहा गया है कि अगर 20 अक्टूबर तक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं की गई तो आवश्यक सख्ती दिखाई जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में माध्यमिक स्तर की कक्षाएं यानी कि 9वीं से नामांकन लेने पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही सूची की हार्ड कॉपी डीईओ कार्यालय में 22 अक्टूबर तक जमा करना होगा। ज्ञात हो कुल मिलाकर 7317 माध्यमिक स्कूल के प्रचारकों शिक्षकों की सूची को डायरेक्टरी में ऑनलाइन अपडेट करवाने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि अब तक 5230 स्कूलों ने शिक्षकों की सूची अपलोड की है। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार विनोद कुमार सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण ही उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान ही उन्होंने आखिरी सांस ली। वहीं उनके गुजर जाने पर बिहार सरकार के मंत्रियों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विनोद कुमार सिंह के गुजरने को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति करार किया है। साथ ही उनकी आत्मा को शांति देने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि विनोद कुमार सिंह मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्री और भाजपा नेता विनोद कुमार सिंह कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे। हालांकि उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, मगर फिर से उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बिहार में चुनाव कार्यों में जुटे 8,00,000 मतदान कर्मियों को कोरोना से बचाव की तैयारी हुई शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में 7.69 लाख चुनाव कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक सामग्रियों की पैकेजिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 2,25,941 निर्वाचन कर्मियों के लिए पैकेजिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए 6 कर्मी एवं 20% सुरक्षित मतदान कर्मियों की संख्या का आकलन कर कोरोना से बचाव की सामग्री की पैकेजिंग कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसके साथ ही पहले चरण के सभी 31,380 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्रियों की पैकेजिंग की जा रही है। इसी क्रम में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 15 अक्टूबर तक पैकेजिंग पूरी करने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने पहले चरण के सभी 31,380 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोरोना से संबंधित सुरक्षात्मक सामग्रियों की पैकेजिंग की जा रही है। 13 अक्टूबर को तेजप्रताप हसनपुर सीट से भरेंगे नामांकन। आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। चुनाव में इस बार उन्होंने भी अपने लिए सेफ सीट को चुन लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजप्रताप यादव कल समस्तीपुर के हसनपुर से अपना नामांकन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजप्रताप यादव पिछली बार महुआ से मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी, मगर इस बार उन्हें हसनपुर से उतरने का फैसला लिया है। तेजप्रताप यादव ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके हसनपुर से नामांकन करने की जानकारी साझा की थी। इससे पहले तेजप्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को साक्षी मानकर मां राबड़ी देवी से टिकट लिया था। इस दौरान मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। स्नातक में नामांकन के लिए पहला कट ऑफ लिस्ट आज होगा जारी। कोरोना के कारण लंबे समय से सभी स्कूल कॉलेज को बंद किया गया था। नए साल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया भी देरी से शुरू हुई है। पटना विश्वविद्यालय में नए साल के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू की जा रही है। इसके लिए सोमवार को कट ऑफ जारी किया जाएगा। मंगलवार को काउंसलिंग का पहला दिन रहेगा। कल ही से बीए में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही बीएससी के लिए काउंसलिंग 14 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद सबसे अंत में बीकॉम के लिए 15 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करवाई जाएगी। पटना विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर एनके झा ने बताया है कि नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। नवंबर में नए सत्र की शुरुआत की जाएगी। सीपीआई ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। सीपीआई ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी रजा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार, अंजान अमरजीत, रामेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सैनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बर आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके साथ ही इस सूची में बीके कांगो, अजीज पासा, गिरीश शर्मा, नागेंद्र नाथ ओझा, डॉ ए खान,
जानकी पासवान समेत कई नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे से भिड़ेंगे बैंगलोर और केकेआर की टीम। आईपीएल के 13वें संस्करण का आधा पड़ाव आज खत्म होने वाला है। वहीं आज खेल के आधे पड़ाव के अंतिम दिन बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। पिछले दो मैच में फॉर्म में आए कप्तान विराट कोहली आज भी जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगे। वहीं कोलकाता की टीम भी अपनी जीत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आरसीबी बनाम केकेआर मैच के साथ सभी टीम अपने 7-7 मैच खेल चुकी है। वहीं दोनों टीम अपने पिछले मैच को जीतकर यहां पहुंची है। ऐसे में दोनों टीमों में बदलाव की गुंजाइश कम है। हालांकि आरसीबी में एक या दो बदलाव देखे जा सकते हैं, लेकिन संभवतः यही लग रहा है कि विराट कोहली एक बार फिर से पुरानी प्लेइंग 11 के साथ खेलना पसंद करेंगे, जबकि केकेआर भी लय में है। हिना खान ने फिल्म इंडस्ट्री में क्लास को लेकर फर्क किए जाने की कही बात। एक्ट्रेस हिना खान अपने हर मुद्दे पर खुलकर बोलने में यकीन रखती हैं। हाल ही में हिना खान ने कांस में शामिल होने पर एक एडिटर ने मजाक उड़ाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांस कब से कांदीवली बन गया है। इतना ही नहीं, उस एडिटर ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में भी फर्क किया था। इस मुद्दे पर जब हिना खान से सवाल पूछे गए तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, टीवी को हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में नीचे देखा जाता है। यह वो लोग होते हैं जो हमें और हमारे प्लेटफॉर्म को अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीवी की सबसे ज्यादा पहुंच है। इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बीच किस तरह का फर्क किया जाता है। हम टीवी एक्टर्स को मजदूर की तरह देखा जाता है। टीवी एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं और ज्यादातर डबल शिफ्ट में काम करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमें चांस दो और सहजता से काम करने का मौका दो, हम खुद को साबित कर सकते हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 71 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 71,559 मरीजों की पुष्टि की जा चुकी है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 71,20,539 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 816 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1.09 लाख पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कुल मिलाकर 8.68 करोड़ सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ बीते 24 घंटे में 9,94,851 सैंपल की जांच की गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या प्रभावितों से ज्यादा दर्ज की गई है। इसमें से 86% लोग पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सीबीएसई की तरफ से 10वीं और 12वीं के सिलेबस को आधा करने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।